दहशत है, बहुत डर है, कब पटिया गिर जाए। पुरानी मकान है, तीनों कमरा बिल्कुल जर्जर हो गया, पानी पूरा झरना टाइप हो चुका है। इसको प्लास्टिक लगा के इसलिए हम लोग रखे ताकि फाइल, बहुत सी फाइलें नष्ट हो गई हमारी, पूरा फाइल नष्ट हो गई हमारी। बारिश के मौसम में लगातार जर्जर भवनों के गिरने की वजह से हो रहे हादसों को दृष्टिगत रखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्जर भवनों को धराशाही करने या फिर उनकी प्रॉपर देखरेख करने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन हाल सरकारी महकमों का ही काफी बुरा है। हम इस समय मौजूद हैं चौकाघाट इलाके में और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का यह दफ्तर है जो काफी बुरी कंडीशन में है। हम आपको इस पूरे भवन की स्थिति दिखाते हैं, काफी बुरा और जर्जर स्थिति में यह पूरा जो ऑफिस है चल रहा है। आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि किसी डरावनी फिल्म के एक सीन की तरह यहाँ के हालात हैं। चारों तरफ से पानी छूटता है, बारिश के मौसम में यहाँ के हालात काफी दयनीय हो जाते हैं, स्थितियाँ बहुत ही गंभीर हैं। अंदर काम करने वाले कर्मचारी हर पल इसी डर से काम करते हैं कि कहीं किसी वक्त कोई हादसा ना हो जाए। हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन इन हालात को सुधारने की जिम्मेदारी कौन उठाए और कौन विभाग की तरफ ध्यान दे, क्योंकि जब सरकारी विभाग भी बदहाली की कंडीशन में है तो फिर बाकी की बात क्या करेंगे, यह सोचने वाली स्थिति है। आप यह नजर दौड़ाइए, यह एक सरकारी विभाग का दफ्तर है जहां पर बारिश के मौसम में चारों तरफ से पानी चूका है। आप देखिए किस तरह से चीजों को बचा कर रखा गया है ताकि बारिश का पानी इनको नुकसान ना पहुंचाए। फाइलें खराब हो चुकी हैं, रेन कोट और ये अन्य चीजों को पहनकर यहाँ कर्मचारी बैठते हैं, छाता लेकर बैठते हैं, जो अब त्रिपाल के जरिए चीजों को बचाने की कोशिश की गई है। त्रिपाल यहाँ बांधा भी जाता है, हालांकि आज बारिश अभी नहीं हो रही है जिसकी वजह से इसे खोला गया है। अब हालात देखिए, अंदाजा लगाइए कि बारिश के मौसम में जो पानी छूटा है उसकी वजह से फाइलें सड़ चुकी हैं, फाइलें खराब हो गई हैं। आप ये देखिए, ये है स्थिति फाइलों की, सरकारी दफ्तर का ये हाल है और हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जर्जर भवनों के गिराए जाने और उनके प्रॉपर देखरेख की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार का एक यह सरकारी कार्यालय बदहाली में है। यहाँ के कर्मचारी डर डर कर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इन पर ध्यान देने वाला नहीं है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।